जैसे कंट्रोल को मन से इंद्रन से वो आउट थो मन उन्हें हारा रांद में हारा छी प्रज्ञानी सदाई कंट्रोल पावर में होंगे मोटर में जैसे ब्रेक न हो जे, तो मोटर कें कम की है ती अस मनुष्य में जैसे ब्रेक ना मन से कंट्रोल को ये मोटर कड़े कम की एक्सीडेंट कड़ी पवी आउट थी वी बीमार थी पवी शरीर एक्सीडेंट थी पवो पर ये पूरी ब्रेक हो पूरा वैराग पूरा कंट्रोल हर गाल से पूरा कंट्रोल है खाने से पढ़ने से हलने से घूमने से जहाँ असि तुंदरुस्ती बर खिलाफ़ गाल है अस उन कंट्रोल कर सकूँ कड़ी भी गाल डॉक्टर चला दो भाई अज का ये शह न खा अभी ना खाऊ भाई एडा न वन भाई ठीक है भाई ये न पाया ठीक है हर गाल का जो रही सके वो थो कंट्रोलिंग पावर पर शह का सह नो रही साल का सह नो रही बार का सह नो रही माया का सह नो रही मुझे ये शह जरूर खपे नो रही ज्ञानी के चवण ही कान हर गाल का सह रही अकेलो भी रही सो तो गड भी रही कड़ी हालत में भी रही सो गरीबी में गुजर कर सो चौकड़ियों में रही सो हर गाल सुख ींद दुख ींद को हर कें जो प्रैक्टिस कर हर कें जो हालत का मथे थी चुको सुख दुख जो मथे थी चुको यो है कंट्रोलिंग पावर गीता में घड़ी घड़ी चाहिए सुख दुख लाभ हानि मान अपमान ये जो बदोंदी जोड़ा तीन का मथे थी ये जोड़ा जगत में हूँ शरीर में हूँ जगत में आई तो जोड़ो आए रात है तो ढी है दुख है तो सुख है लाभ है तो हानि है नफो है तो नुकसान है जरूर थी पर तू इन जोड़न में बैलेंस माइंड में रहो माइंड जो बैलेंस न विजाए भाई सुख अचे तो फुंडी की वनू दुख अचे किड़ी पाऊँ ये न दुख में धीरज सब का सहणो हर गाल में धीरज हर गाल में शांति हर गाल में कंट्रोल हो पान से भाई एक अची वो अची छो वो तो कहो कि अची वो भाई मां छा करया मुझे वात में ये गाल निकली गई हाँ मैं ये गाले वेठो हाँ छा करया यो अज्ञानी है जो करे पछताए गाले वरी पछताए पो कर्म करे वरी पछताए पो पर ज्ञानी कदें वो कर्म न कह वो पछताणो पे हर गाल के उन कंट्रोल है पर अज्ञानी हर गाल जो कंट्रोल वे तो छे ढो दुखी तो जैसे मन है इंद्रियों के कंट्रोल को तो मन ही कौन जो मन जीत है तो ही जगत जीत कड़े किस्म जो त्याग है गीता में लिखे तो फल की इच्छा जै छी तै सर्व त्याग कर बाकी जै कपड़ा छजा खादा छजा गाल छी मुड़स छो दुनिया छदे बो जंगल में सन्यासी थी वो को त्याग को त्याग फल की इच्छा अहंकार बस थोड़े में चाहिए फल को भी न घुड़ो कंखा जो कर्म करो फल छे जो भाई फल न खपे अहंकार इच्छा का सह जो तीन कर्म कंदा सो ही त्याग तो अहंकार जो त्याग माना सर्व त्याग पर मां आया तो सब दुख है मां ही को दुख ही को कंखे दुख लगो कें मान थो कें अपमान थो कें गाड़ी लगे कड़ा शब्द तक लगन केर कड़ा शब्द गाल विच बाजार में तुम अपमान कर लगन कड़ी गाड़ी जो चाप कर अपमान कर नंढो तुम नौकर थी करे तुम बार थी करे अपमान तो करे तक असर थे तो अपमान जो है मान जो मान की इच्छा होंगी तो अपमान जो असर थी इज्जत की इच्छा होंगी तो बेइज्जती डप पर जैसे इच्छा ही कान तैंक इज्जत बेइज्जती मान अपमान दुख सुख सुख सब समान लग समझ में भगवान वेठो सब रूप में परीक्षा वे मुझी तो मुझी होम निकरे थी कि न मां निकरे थी कि न मां केडी मल नहीं निकरे जै मां मिटाई तै सब कुछ मिटाए या मां ही असें रोले में थी विजे मां ही असें जन्म मरण के चक्कर में थी आने दुनिया में मोस्टली यहीं में आयो है तो पैरी पैरी की बाहर दिसंदा तो भाई पैसे की इज्जत है कि ज्ञानी की इज्जत है दुनिया में पैसे वाले की इज्जत है कि किसी अवतार की इज्जत है जब अवतार आता है अभी कृष्ण आया राम आया नानक आया उसकी इज्जत है बरसों से 5000 साल हो गया कृष्ण को अभी कृष्ण का फोटा दर दर में रखा है कृष्ण की गीता सारी दुनिया मानती है जुड़ती है और पांव पड़ती है सर्वशास्त्रमय गीता सभी शास्त्रों का जो वेदांत है अंत वो गीता में लिखा पड़ा सभी वेदों की विद्या जो गीता में शार्ट में तो उसी कृष्ण का नाम है कि तुम्हारे लाले और बाबे का जो करोड़पति था या तुम करोड़पति है तो तुम्हारा फोटो दर दर पर आएगा क्या तुम्हारे को कोई पूजेगा क्या तुम्हारे को हाथ जोड़ेगा पाँव पड़ेगा तो शाहूकार की इज्जत खुशामद गिरिया जो झूठ है ना वो करेगा जिसको चाहिए तुम्हारे से पैसा वो तुम्हारी खुशामद करेगा लेकिन ज्ञानी की जो खुशामद है वो कोई नहीं करता है ज्ञानी को सच्चा प्यार करता है सब
योग ज्ञानी से तुमको शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। पैसा कोई तुमको दान करेगा भी, समझो पैसा तुमको किसने दिया, तुम्हारी चोरी हो सकता है, खा सकता है, कोई ले जा सकता है, तुम कूट सकता है। माया मेरे राम की खिड़ा वेखण जावे, किंजी दबी रही दूर में, किंजी राजा खावे, किंजी चोर खड़ी वन, किंजी सारे बार। तो माया तो अचनी वननी है, पर ये धन कौन सा है? ये आत्म धन जो है वो चोर न लूटे, कबू न फूटे, न तो न तो तवाए। चोर भी नहीं लूट सकता है, कबू न फूटे, कभी फूट नहीं सकता ये आत्म धन। ये तुमको ज्ञान जितना भी मिला है वो फूटेगा ही, चाहे 50 बरस तुम इधर नहीं आओ फिर, लेकिन ये ज्ञान जो तुमने एकाग्रता से निष्काम गुरु के मुख से तुमने सुना, एकाग्रता से सुना, श्रद्धा से सुना, वो सारी उम्र तुम्हारे से भूलेगा ही, ये धन कूटेगा ही। कोई चोर नहीं है तुम्हारा धन कुटा दे या लुटा दे। तो ये धन जो है वो है शांति देने वाला, और वो धन है शांति पिटाने वाला। उस धन में टेंशन है, उस धन में शांति पिटती है, और मन एकाग्र नहीं होगा, मन भटकता रहेगा, ऐसा ऐसा भटकता रहेगा। तो यही बात है। तो तुम्हारे पास जब भी दुनिया का पदार्थ है तो शांति पिटाने वाला है। एक भोगड़ी था जो चना बिक्री करता था, औरत को अठाना कमाता था, अठाना खिलाता था, औरत को जगह अठाना देता था, वो डोडा थूम साई भाजी फुलका बना के गर्मा गर्म उसको खिलाती थी, वह अच्छी तरह से गुजर करता था। एक दिन उसके अंदर में इच्छा हुई, तो बस मैं भोगड़ी बन के रहूंगा सारी उम्र, भाई कुछ तो भगवान मेरे को और थोड़ा बढ़ाओ ना ऊपर, मैं कुछ प्रोग्रेस तो करूँ, भाई कोई हलवाई का दुकान या कोई ऐसा ही दुकान मेरे को दियो, भोगड़ी बन के सारी उम्र ऐसा भटकूंगा क्या रास्ते में। भगवान ने बोला कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है, अचानक उसको कोई दुकान मिल गया छोटा, उधर हलवाई का दुकान बना के बैठे, बोला अभी मैं थोड़ा चौकार बनूंगा, हलवाई बनूंगा, अच्छी तरह से दरबार लूंगा, अच्छी तरह से रहूंगा। जब हलवाई बना तो भगवान ने बोला अभी तुम खुश है? थोड़े दिन के बाद वो रोने लगा, बोला हलवाई तो बना हूँ, सारा दिन हमारा कपड़ा भी हलवाई में, उसमें तेल में घी में खराब हो गया है, और जो रोज खाना बच जाता है तो हमारे कोई खाना पड़ता है, पर हमारे बच्चे को भी वही हलवा खाना पड़ता है, तो खांसी हो गई है, सबको सहकी हो गई है, क्योंकि बच्चे का हलवा तो घर में ही डालेगा, बोलेगा ना आज हलवा ही खाओ, सीधा पूरी बचा है तो तुम वही खाओ ना, जो दुकान में बचता है वो घर में लेके जाता हूँ, सारा घर बीमार हो गया, खांसी हो गया। भगवान ये कोई धंधा है? सारा दिन हमारा कपड़ा घी में खराब, कोई अच्छा धंधा दियो, कोई अच्छा कपड़े वपड़े वाला हमको बनाओ, मैं ऐसा दुकान में सेठ बन के बैठा रहूं, कपड़े का दुकान बहुत मौज वाला है, भाई हम सेठ तो कहलाने के लायक हो जाऊं। भगवान ने बोला कभी ना कभी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम ख्याल नहीं करो। फिर अचानक हलवाई के दुकान से उसको ऐसा फायदा मिला जो उसने थोड़ा दुकान बड़ा ऐसा ले लिया और कपड़ा रखा उधर, सारी आंसू तो ये वो सब चीज रखी। थोड़े दिन के बाद आया भगवान, उसके अंदर आवाज आया, भाई कैसे तुम खुश है, शांति है तुम्हारे को? बोला बहुत झंझट में पड़ गया हूँ, इधर इनकम टैक्स, इधर सेल्स टैक्स, इधर फलाना आया है, पुलिस वाला आता है तो डरता है, सारा दिन ये कपड़े का भाव उतर गया तो धक धक होती है, ये भाव चढ़ गया ये उतर गया, ये कपड़ा ऐसा ही पड़ा है, ये ताकिया जो है ना ऐसा ही पड़ा है, ये फटेगा निकला ऐसा किया, सारा दिन हम तो बहुत खतरे में आ गए। इसी से कोई हीरे मीरे का दुकान हमारे को निकाल के दियो, थोड़ा सा छोटा सा मैं ऐसा शोकेस रख के बैठूंगा, थोड़ा सा हीरा रखूंगा, एक दो ग्राहक सारे दिन में आएगा, मैं कमाऊंगा बहुत। इधर तो रोज ग्राहक आता है, एक एक वाला ऐसा ऐसा फाड़ के हम देते हैं, उसी में मेहनत है बड़ी, हीरे का दुकान बड़ा अच्छा रहेगा, खाली थोड़ा चौके थोड़ा छोटा हीरे के दुकान में मेरे को रखो। बोला ठीक है, वो भी मिल जाएगा। अचानक वो ज्वेलर बन गया, हीरे का दुकान भी मिल गया। फिर थोड़ा दिन के बाद फिर कोई आया, भाई कैसे? भगवान ने पूछा कैसे तुम अभी तो खुश होगा, अभी तो तुम ज्वेलर बन गया। बोला बात ही मत पूछो, इधर से टेलीफोन, इधर से टेलीफोन, बाथरूम में भी टेलीफोन लेके जाता, जर्मनी से हीरा आया, इधर से हीरा आया, हीरे का भाव गिर गया, अरे झूठा हीरा मिल गया, सच्चे हीरे से के बदले झूठा हीरा गया, इतना नुकसान इतना नफा इतनी बात हो जाती है, मैं तो बिल्कुल अभी शांति में नहीं हूँ, मेरी औरत बोलती है तुमको तो मेरे से बात करने का भी टाइम नहीं, भोगड़ी था तो अच्छा था, कम से कम दो डॉलर तुम काके दोनों ऐसा अच्छी तरह से प्रेम में रहते थे, अभी तुम ज्वेलर सारा दिन दुकान में पड़ा है, सारा दिन टेलीफोन इधर टेलीफोन इधर, हमारे से कब बात करता है? बच्चे भी बहुत दुखी हो गए, सब घर में दुखी, मैं तो बड़ा टेंशन में आ गया हूँ, बोला अभी क्या करने का? बोला अभी ना मेरे को राजा बना दी, क्या राजा हम बनूंगा ना, नीचे से वजीर अमीर ये वो नौकर सब होएगा, हम तो ही काम करेगा, हम तो बस ऐसा तख्त पर बैठा रहेगा, काम आप ही दूसरा करेगा, हमको कोई चिंता नहीं रहेगी। बोला अच्छा। एक दिन शहर का राजा मर गया, अचानक इसको
बोला तुम राजा बनो, क्योंकि तुम शहर का बड़ा है, ज्वेलर है, बहुत तुम्हारी इज्जत है दुनिया में, तुम इस शहर का राजा बनो। बस ठीक है भाई, राजा ही मिल गई। फिर थोड़े दिन के बाद आया भगवान, भाई तुम कैसे है राजा बना, भी तो ठीक है। बोला अभी तो सच्चा नासी है बिल्कुल। बोला क्यों? बोला दूसरा राजा कहाँ करके आता है, लश्कर पूरा नहीं है हमारे पास, दूसरा राजा कहाँ करके आता है, भाई लश्कर उसके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है, हमारे पास बम गोला कम है, उसके पास ज्यादा है। बस मेरे को तब तक होती है, अभी मेरी राजा ही गई। रानियां है, दासियां है, भोग है, विलास है, ये तो बहुत भोग भोग के थक गया हूँ, इंद्रियां में खीन हो गई है। अभी एक रानी पसंद नहीं है, जो भोग रानी थी ना वो पसंद नहीं है, अभी तो बहुत रानियां है हमारे, रोज नई रानी चाहिए, रोज नई पड़ी चाहिए हमारे। अभी तो मैं इंद्रियों के सुख में ऐसा गर्तान हो गया हूँ, ऐसा भोगी और रोगी हो गया हूँ, हमारी तो बात ही नहीं पूछो। सारा दिन डर, वजीर अमीर सब जो है वो ठोकी ठगी वाला मिला है, जो हमारे को बाहर से बोलता है राजा है तुम, महाराजा है तुम, ऐसा है, पर अंदर किसी का सच्चा प्यार है नहीं, सब ठगी वाला। आज राजा मरे तो कल दूसरा दिन होवे, रोज जहर की पुड़ी मेरे को देने के लिए तैयार बैठे, इतना दुश्मन भी है राजा ही। हाथी घोड़ा पालकी तो सब है, मोटर गाड़ी तो सब है, पर दुश्मन ही बढ़ गए, क्योंकि मैं राजा बना तो दूसरा बोलता है मैं राजा क्यों नहीं बनू। रोज लड़ाई की तैयारी करते हैं सभी राजा, भाई इस राजा को उतारेगा गद्दी पर, तो हम डरते रहते हैं सारा दिन, सपने में भी डरते रहते हैं। बोला अभी क्या करूं? बोला अभी मैं सारी सृष्टि का एक राजा बना दिया, एक राजा बनूंगा तो दूसरा कोई राजा ही नहीं होगा जो दुश्मन होगा, मैं ही एक राजा हूंगा ना, सारी दुनिया का एक राजा बना दिया। बोला अच्छा, फिर सारी दुनिया का राजा बना दिया उसको। बोला अभी कैसे है? बोला बहुत दुखी हूँ। मैं क्यों? अभी तो सारी दुनिया की चिंता है, इधर से पाकिस्तान आता है, इधर हिंदुस्तान आता है, इधर से चीन, इधर से फलाना, इधर से जर्मनी, जितना भी दुनिया का शहर है उसी का हमको चिंता है, किधर बलवा होता है, किधर बोल हुई है, किधर झगड़ा हुआ है, किधर स्ट्राइक हुआ है, किधर ये हुआ है, सभी शहरों का मेरे ऊपर जो है वो बोझ है। मैं तो एक सेकंड भी नींद नहीं करता हूँ, सोना पलंग है मेरे पलंग पर, हीरा जरा पड़ा है, छत में भी हीरा, तो खमीज में भी हीरा, तो इधर भी हीरा, तो सारा पलंग हीरे से भरा पड़ा, हीरे के पलंग पर सोता हूँ, पर एक सेकंड नींद नहीं है। जब गोड़ी तो दो चार लेता हूँ तभी मुश्किल से एक घंटा नींद आती, इतनी मेरी सत्यानाश। बोला अभी क्या करूं? बोला अभी इंद्र की राजा जो है ना, स्वर्ग का राजा, सारी सृष्टि के राजा से भी स्वर्ग का राजा इंद्र देवता, वो बहुत बड़ा, उसी से बड़ी कोई राजा ही नहीं, बस इंद्र है, इंद्र का राजा बना दियो ना, इंद्र का तख्त पर हम बैठेगा तभी हम सुखी है। बोला चलो इंद्र भी बना दिया स्वर्ग का राजा, यहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है, कूड़पड़िया, झूला, बाग बगीचा, बहुत ही सुख है, या कोई भी दुख नहीं है स्वर्ग में, ऐसे उसमें सुख में उसको बिठाया। बोला इधर तो हसद सार वेर कार बहुत है, जितना बड़ा स्वर्ग उतना इंद्र का तख्त भी हिलता है सारा दिन, क्यों नीचे कोई भक्ति करता है तो इंद्र का सुख हिलता है, इंद्र का तख्त हिलता है, तो इसका मतलब तो भगत जो है वो इंद्र का सुख भी हिला देता है, इंद्र का तख्त भी हिला देता है, इसका मतलब तो भक्ति बड़ी हुई भगवान की, इसीलिए तो मेरे को भगवान की भक्ति कर भगत बना दियो और भोगड़ी बना दी। बहुत रोया भगवान को, बोला अभी मेरे को भगवान का भगत बना दियो, क्योंकि भगवान के भगत का कभी तख्त हिलने वाला ही नहीं है, भगवान के भगत को ऐसा तख्त मिलेगा जो कभी हिलेगा ही नहीं, क्योंकि भक्ति से ऊंची कोई बात ही नहीं है, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की भक्ति जिसके अंदर आ गई, आयो इश्क अंगण मंज पई या संसा भरम तबे, आयो साई अंदर मंज पई, जिसके अंदर इश्क आ गया, भक्ति आ गई, प्रेम आ गया, उसके अंदर साई भी आ गया, भगवान भी उसको मिल गया। अभी जिसके अंदर भगवान आ गया, भगत के अंदर भगवान बैठ गया, अभी उसको इंद्र का सुख क्या चाहिए? तो मतलब सारी सृष्टि की राजाई जो है, सब पदार्थ जो है वो हिलने वाला है, आने जाने वाला है, डर है उसमें जाने वाला, तो अभी तो इंद्र का सुख है, कल चला जाएगा, अभी सृष्टि की राजाई है, कल चली जाएगी, सबको डर है तो चला जाएगा, लेकिन एक ही भक्ति है, प्रेम है परमात्मा का, ये राजाई जो है मन की अंदर की, वो कभी जाएगी। तो मन का जो राजा है वो सारी सृष्टि के राजा से सुखी है, इंद्र के राजा से भी सुखी। इसके लिए बोला है, इंद्र आदि जिस पद के लिए करते सदैं चायना, वो आत्म पद पाए के योगी हुआ निर्वासना। हाँ, एक दो ग्राहक सारे दिन में आएगा, मैं कमाऊंगा बहुत अच्छी। इधर तो रोज ग्राहक आता है, एक एक वाल ऐसा ऐसा फाड़ के हम देते हैं, उसी में मेहनत है बड़ी। हीरे का दुकान बड़ा अच्छा रहेगा, खाली थोड़ा शोकेस होगा छोटा, हीरे के दुकान में मेरे को रखो। बोला ठीक है, वो भी मिल जाएगा। अचानक वो ज्वेलर बन गया, हीरे का दुकान भी मिल गया। फिर थोड़ा दिन के बाद फिर कोई आया, भाई कैसे? भगवान ने पूछा कैसे? तुम अभी तो खुश होगा, अभी तो तुम ज्वेलर बन गए,
बोला बात ही मत पूछो, इधर से टेलीफोन, इधर से टेलीफोन, बाथरूम में भी टेलीफोन लेके जाता हूँ। और जर्मनी से हीरा आया, इधर से हीरा आया, हीरे का भाव गिर गया, अरे जूठा हीरा मिल गया, सच्चे हीरे से के बदले जूठा हीरा आ गया। इतना नुकसान, इतना नफा, इतनी बात हो जाती है। मैं तो बिल्कुल अभी शांति में नहीं हूँ। मेरी औरत बोलती है तुमको तो मेरे से बात करने का भी टाइम नहीं, भोगड़ी था तो अच्छा था कम से कम दो डार तुम काके दोनों ऐसा अच्छी तरह से प्रेम में रहते थे। अभी तुम ज्वेलर सारा दिन दुकान में पड़ा है, सारा दिन टेलीफोन इधर टेलीफोन इधर, हमारे से कब बात करता है। बच्चे भी बहुत दुखी हो गए, सब घर में दुखी, और मैं तो बड़ा टेंशन में आ गया हूँ। अभी क्या करने का, रवि ने मेरे को राजा बना दी, क्या राजा हम बनूंगा ना, नीचे से वजीर अमीर ये वो नौकर सब होएगा, हम थोड़ी काम करेगा, हम तो बस ऐसा तख्त पर बैठा रहेगा, काम आप ही दूसरा करेगा, हमको कोई चिंता नहीं रहेगी। अच्छा, एक दिन शहर का राजा मर गया, अचानक इसको बोला तुम राजा बनो, क्योंकि तुम शहर का बड़ा है, ज्वेलर है, बहुत तुम्हारी इज्जत है दुनिया में, तुम शहर का राजा बनो। ठीक है भाई, राजा मिल गई। फिर थोड़े दिन के बाद आया भगवान, भाई तुम कैसा है, राजा बना भी तो ठीक है, बोला अभी तो सत्यानाशी है बिल्कुल। बोला क्यों? बोला दूसरा राजा कहाँ करके आता है, लश्कर पूरा नहीं है हमारे पास, दूसरा राजा कहाँ करके आता है, भाई लश्कर उसके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है, हमारे पास बम गोला कम है, उसके पास ज्यादा है, बस मेरे को दक दक होती है। अभी मेरी राजा ही गई, रानियां है, दासियां है, भोग है, विलास है, ये तो बहुत भोग भोग के थक गया हूँ, इंद्रियां क्षीण हो गई है, अभी एक रानी पसंद नहीं है, जो भोग रानी थी ना वो पसंद नहीं है, अभी तो बहुत रानी है हमारे को, रोज नहीं रानी चाहिए, रोज नहीं पड़ी चाहिए हमारे को, अभी तो मैं इंद्रियों के सुख में ऐसा गलतान हो गया हूँ, ऐसा भोगी और रोगी हो गया हूँ, हमारी तो बात ही नहीं पूछो। सारा दिन डर, वजीर अमीर सब जो है वो ठोगी ठगी वाला मिला है, जो हमारे को बाहर से बोलता है राजा है तुम, महाराजा तुम ऐसा है, पर अंदर किसी का सच्चा प्यार है नहीं, सब ठगी वाला। आज राजा मरे तो कल दूसरा दिन होवे, रोज जहर की पुड़ी मेरे को देने के लिए तैयार है, इतना दुश्मन भी है राजा ही, हाथी घोड़ा पालकी तो सब है, मोटर गाड़ी तो सब है, पर दुश्मन ही बढ़ गए, देखो मैं राजा बना तो दूसरा बोलता है मैं राजा क्यों नहीं बनू, रोज लड़ाई की तैयारी करते हैं सभी राजा, भाई इस राजा को उतारेगा गद्दी पर, तो हम डरते रहते हैं सारा दिन, सपने में भी डरते रहते। बोला अभी क्या करूं, बोला अभी ना सारी सृष्टि का एक राजा बना दू, एक राजा बनूंगा तो दूसरा कोई राजा ही नहीं होगा जो दुश्मन होगा, मैं ही एक राजा हूंगा ना, सारी दुनिया का एक राजा बना दिया। बोला अच्छा, फिर सारी दुनिया का राजा बना दिया उसको। बोला अभी कैसे है, बोला बहुत दुखी हूँ। मैं क्यों, अभी तो सारी दुनिया की चिंता है, इधर से पाकिस्तान आ जाए, हिंदुस्तान आता है, इधर से चीन, इधर से फलाना, इधर से जर्मनी, जितना भी दुनिया का शहर है उसी काम को चिंता है, किधर बलवा होता है, किधर बोल हुई है, किधर झगड़ा हुआ है, किधर स्ट्राइक हुआ है, किधर ये हुआ है, सभी शहरों का मेरे ऊपर जो है वो बोझ है। मैं तो एक सेकंड भी नींद नहीं करता हूँ, सोना पलंग है मेरे पलंग पर, हीरा जरा पड़ा है, छत में भी हीरा, तो खमीज में भी हीरा, तो इधर भी हीरा, तो सारा पलंग हीरे से भरा पड़ा, हीरे के पलंग पर सोता हूँ, पर एक सेकंड नींद नहीं है, जब गोड़ी तो दो चार लेता हूँ तभी मुश्किल से एक घंटा नींद आती, इतनी मेरी सत्यानाश। बोला अभी क्या करूं, बोला भैया इंद्र की राजा ही जो है ना, स्वर्ग का राजा, सारी सृष्टि के राजा से भी स्वर्ग का राजा इंद्र देवता, वो बहुत बड़ा, उसी से बड़ी कोई राजा ही नहीं, बस इंद्र वो है, इंद्र का राजा बना दियो ना, इंद्र का तख्त पर हम बैठेगा तभी हम सुखी है। बोला चलो इंद्र भी बना दिया स्वर्ग का राजा, जहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है, फूल पड़िया, झूला, बाग बगीचा, बहुत ही सुख है, जहाँ कोई भी दुख नहीं है स्वर्ग में, ऐसे उसमें सुख में उसको बिठाए। बोला इधर तो हसद सार वेर खार बहुत है, जितना बड़ा स्वर्ग उतना इंद्र का तख्त भी हिलता है सारा दिन, जो नीचे कोई भक्ति करता है तो इंद्र का सुख हिलता है, इंद्र का तख्त हिलता है, तो इसका मतलब तो भगत जो है वो इंद्र का सुख भी हिला देता है, इंद्र का तख्त भी हिला देता है, इसका मतलब तो भक्ति बड़ी हुई भगवान की, इसी से तो मेरे को भगवान की भक्ति भगत बना दी और गोगड़ी बना दी। बहुत रोया भगवान को, बोला अभी मेरे को भगवान का भगत बना दियो, क्योंकि भगवान के भगत का कभी तख्त हिलने वाला ही नहीं है, भगवान के भगत को ऐसा तख्त मिलेगा जो कभी हिलेगा ही नहीं, क्योंकि भक्ति से ऊंची कोई बात ही नहीं है, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की भक्ति जिसके अंदर आ गई, आयो इश्क अंगण मंज पई या संसा भरमत गई, आयो साई अंदर मंज पई, जिसके अंदर इश्क आ गया, भक्ति आ गई, प्रेम आ गया, उसके अंदर साई भी आ गया, भगवान भी उसको मिल गया। अभी जिसके अंदर भगवान आ गया, भगत के अंदर भगवान बैठ गया, अभी उसको इंद्र का सुख क्या चाहिए। तो मतलब सारी सृष्टि की राजाई जो है, सब पदार्थ जो है वो हिलने वाला है, आने जाने वाला है, जड़ है उसमें जाने वाला, तो अभी तो इंद्र का सुख है, कल चला जाएगा।
अभी सृष्टि करा जाइए कल चली जाएगी, सबको डर है तो चला जाएगा, लेकिन एक ही भक्ति है, प्रेम है परमात्मा का, ये राजा ही जो है मन की अंदर की, वो कभी जाएगी। तो मन का जो भगवान ही है, भगवान में कोई अवगुण होता है क्या? प्रेम होता है अंदर वाले से, उसी मोह में दुख है। और ये प्रेम है, प्रेम करता है, प्रेम होता है अपने आप से, माना सेल्फ से, माना आत्मा, वो गुरु आके सेल्फ का प्यार दिखाता है। लव ऑल अलाइक, सबको एक जैसा तुम प्यार करो, क्योंकि सर्वत्र तुम ही है आत्मा ही। तो गुरु का जो प्रेम है वो निराला है, बाकी जो दुनिया में तुमने प्रेम समझा वो प्रेम नहीं, वह मोह शरीर से स्वार्थ इंद्रियों का सुख, जहाँ जहाँ से जिसको स्वार्थ मिला, जहाँ जहाँ से जिसको प्रेम मिला, इंद्रियों का सुख मिला, उधर तुम जाओ उसको प्यार करते, जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तुम प्यार कर रहे। हर एक स्वार्थ का साथी है, सुख का साथी है, लेकिन गुरु जो प्रेम सिखाता है वो चाहे तुमको कुछ भी कहाँ से नहीं मिले तो भी तुम प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? जैसे अपने आप को करता है तैसे सबको करेगा। ये है प्रेम, प्रेम है अमृत और मोह है जहर। मोह जो है वो जन्म मरण के चक्कर में तुमको लेके जाएगा, मोह में बीमारी होगी, मोह में बिछोड़ा बसेगा, नहीं मेरे से बिछड़ गया। प्रेमी कभी नहीं बोलेगा ये मेरे से बिछड़ गया, प्रेमी बोलेगा तुम मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ, तुम मेरे अंदर है, तू और मैं एक हूँ। प्रेम में भगत और भगवान एक हो जाता है, लेकिन मोह में हमेशा दो रहेगा। मैं इसको मोह करता हूँ, मैं इसको प्यार करता हूँ, उसको मैं दूसरे से, तो मोह होता है दूसरे से, प्रेम होता है अपने आप से। और मोह में दुख सुख भासेगा, मिलन और बिछड़ना भासेगा, पर प्रेम में नहीं मिलन है नहीं बिछड़ना। प्रेम में तुम क्या समझेगा, सारी सृष्टि मेरे से मिली पड़ी, सारी सृष्टि में मैं ही बैठा हूँ, सबके भीतर मैं ही हूँ, जानता मैं ही हूँ, मेरे से कुछ नहीं है। और प्रेम दूसरे से नहीं किया जाता है, अपने आप से किया जाता है। और प्रेम नहीं शांति है, प्रेम नहीं मुक्ति है। जब तुम सब को एक जैसा प्यार करेगा तो किसका अवगुण देखेगा? किसी से द्वेष करेगा, किसी से राग करेगा, किसी से दुश्मनी करेगा, किसका कर्म बनाएगा, किसका दोष देखेगा? प्रेम में दोष नहीं देखा जाता है, प्रेम में अवगुण नहीं देखा जाता है। जब प्रेम है, माना सर्व से आत्म भाव है, सब में भगवान देख के तुम प्यार करेगा, तो भगवान तो भगवान ही है, भगवान में कोई अवगुण होता है? प्रेम होता है अंदर वाले से और मोह होता है बाहर वाले से। वह शरीरों से तुम मोह करेगा और प्रेम होता है अंदर वाले भगवान से। प्रेम में तुम अंतर्मुख हो जाता है, अंदर जाता है, भाई अंदर कौन बैठा है? चोर और साधक वो एक पहचान है। तो संत कहाँ है, असंत कहाँ है, चोर कहाँ है, साधक कहाँ है, राजा कहाँ है, भिखारी कहाँ है, अपना बेटा कहाँ है, दूसरे का बेटा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, तुम कहाँ है? प्रेम में मैं और तुम का ये जो दीवारें हैं वही टूट जाती है, मैं भी नहीं हूँ तुम भी नहीं है, इधर उधर नहीं करेंगे, नहीं दुश्मनी करेंगे। ऐसा तुम दुनिया में जिएंगे जैसे मन मरा पड़ा है और तुम जिया पड़ा है। मन तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम मन को ढूंढो तो मन मिलेगा ही नहीं। हम तो बोलते हैं भाई मन आता है अभी, बोला नहीं अभी तो नहीं आता है, पहले आता था। अभी क्यों नहीं आता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान जिंदा हुआ है। या तो तुम्हारे हृदय में रहेगा मन, या तो अंदर रहेगा मन, या आत्मा। एक कुर्सी पर एक आदमी बैठेगा, दो नहीं बैठेगा। या होएगा मन, या होएगा आत्मा। या तो मन के साथ बन के बैठा होगा, या तो आत्मा के साथ। जो निश्चय बुद्धि वाला है वो आत्मा के साथ भगवान के साथ अंदर बैठा है अकेला, दूसरा कोई संसार उधर है ही नहीं। और जहाँ मन है तहाँ संसार। मन माना गौड़ गबोड़ झगड़ा जेरा द्वेष द्वेष, सारा संसार अंदर मन में बड़ा पड़ा। जब भी बैठेंगे तो संसार की बातें याद आएगी, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, 10 साल ऐसा हुआ, 50 साल पहले ऐसा हुआ, फलाने ने मेरे से ऐसा किया, मैंने उनसे ऐसा किया, ये जो संसार की बातें चलती है ना ये मन। और जिसका मन अमन हो जाए, जिसका मन आत्मा में लग जाए, परमात्मा में लग जाए, इस ज्ञान में लग जाए, उसी का मन तुम जहां भी बैठेगा सोया पड़ा होगा, मन जैसे मर गया। मन को कोई इच्छा ही नहीं है। मन से पूछो भाई कहाँ चलेगा, कुछ चाहिए, बाजार में लेके जाओ मन को, भाई कुछ चाहिए, मन बोलता है बहुत कुछ है, कहते हैं मन मन को बोलो घूमने चलो किधर, भाई हम क्या घूमेंगे, हम तो सारी सृष्टि घूम कर बैठे, तुमको इच्छा ही नहीं किसी बात की होगी, नो डिजायर। तुम ऐसा दिल तुम्हारी भरपूर होगी जो तुम समझेगा मैंने सारी दुनिया देख ली, कुछ बचा ही नहीं है। पीछे तुम प्रावधान अनुसार, दूसरे के इच्छा अनुसार, भगवान के इच्छा अनुसार तुम भले घूमो फिरो खाओ पियो, उसमें कुछ नहीं है। और अपनी इच्छा जो पहले दुखी करती थी वो अभी दुखी नहीं करेगी। तुमको कोई प्यार करके और बोले ना चलो, तुम चलेगा, फिर बोले बैठा हूँ,
तुम बैठ जाओ तो भी तुम खुश रहो, तुम सो जाओ ठीक है, चलो तो भी ठीक है, बैठो तो भी ठीक है, हर बात में तुम बोलेगा ठीक ही ठीक है, हमको कोई अपनी इच्छा है नहीं। ईश्वर इच्छा पर चलने वाला कहाँ भी दुखी नहीं होता, कहाँ भी जो है वो शोक नहीं करता है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को नहीं लेके गया, मेरे को ऐसा नहीं हुआ, मेरे को ये नहीं मिला, जो नहीं मिला तो हमारा था ही नहीं, जो मिला वो हमारा है, जो नहीं मिला वो हमारा नहीं था। अब ये भी सुना है ना, जो तुम्हारी प्रारब्ध होगी वो तुमको मिलेगी, जो तुम्हारी बात चीज होएगी नहीं वो दूसरे को मिलेगी, तुम्हारी होएगी नहीं तो तुमको मिलेगी नहीं, तुम्हारी प्रारब्ध कोई नहीं खाएगा, और जो तुम्हारी चीज ही नहीं है वो दूसरे के पास चली जाए, तुम्हारे जेब से निकाले भगवान उसके जेब में डालता है, उसके जेब से निकाले उसके जेब में डालता है, कभी चोरी कर देता है, कभी भाई वार खा देता है, माया मेरे राम की खिना वे खिन जावे, किनजी दबी रही दूर में किनजी राजा खावे, किनजी चोर खड़ी वजन किनजी सारे बाहर। तो माया जो है वो जलती है सड़ती है, ऐसा चोरी हो सकती है, ये धन जो बाहर वाला है वो कमती जाती होता ही रहेगा, जो तुम्हारी प्रारब्ध है वो तुमको मिलेगी, जो दूसरे की प्रारब्ध है वो उसको मिलेगी, लेकिन अज्ञानी बेचारा दुखी सुखी होता है, ये मेरा खा गया, मेरा चला गया, मेरी चोरी हो गई, और मेरा मेरा आया कहाँ से, भगवान ने जब तुमको दिया तभी तुम्हारा ही है, अभी भगवान दूसरे को देना चाहता तो दूसरे को दे, तो अभी तुम संतोष में रहो, अभी भी तुमको सब कुछ है, जब भी कुछ जाए बोलो बाकी जो बचा है वो तो हमारा है, वो तो भगवान ने दिया ना, फिर भी जो है वो मेहरबानी है ना उसकी। एक संत की सब चोरी हो गई तो नाचने लगा, तो चोरों ने समझा शायद इसके पास और लाख रुपया है, तो मारपीट करके संत से पूछा सच बताओ कांगोत्री तो नहीं छिपाई है, तुम नाचता क्यों है, बोला नाचता इसके लिए क्योंकि लांगोटी बच गई, पहले मैं नंगन आया था, अभी लांगोटी तो बच गई है, वो तो तुमने उतारी नहीं है, इसलिए मैं फायदे में हूँ, इसके लिए मैं नाचता हूँ। तो जब भी कुछ जाए तो तुम बोलना बाकी ये तो बचा है ना, बाकी तो ये बचा है, सब कुछ तो गया, तो जो बचा है उसकी खुशी करना। एक लड़की की आंख एक निकल गई, तकलीफ हो गई, गोली लगी तो आंख निकल गई, तो हंसने लगी, सभी आदमी ने बोला भाई क्या बात है, क्यों हंसती है, चरी तो नहीं हो गई है, तो उसके माँ बाप तो रोने लगे और लड़की हंसने लगी, बोला क्यों हंसती है, बोला दूसरी आंख बच गई, दूसरी आंख भी चली जाती थी तो मैं क्या करती, दोनों आंखें चली जा सकती थी, ये भगवान ने मेहरबानी किया है जो दूसरी आंख तो बचाया, खाली एक आंख गई है। तो ज्ञानी जिस जो चीज बचती है ना उसकी खुशी करता है, जो चीज गई सो गई उसके लिए रोना बेवकूफी है। एक आदमी को जोड़ा पहनने के लिए नहीं था, भगवान को बहुत रो के पुकारा एकदम, भगवान तुमने इतना पैसा भी नहीं दिया है कि मैं जोड़ा पहनूं और बूट पहनूं, बूट के लिए पैसा नहीं है, जोड़ा के लिए पैसा ही नहीं है, दूसरे को तो सूट बूट बहुत अच्छा अच्छा पहना है तुमने, हमारे को इतना पैसा नहीं दिया। रो के जैसे बाहर निकला घर से तो सामने एक आदमी आ रहा था, उसको दोनों टांगे ही नहीं थी, व्हील चेयर पर आ रहा था, लेकिन खुश खुश होके इसी से मिला, उसको बोला गुड मॉर्निंग, आज देखो कितना दिन अच्छा हुआ है, आज देखो कितना अच्छा दिन है, कितना जुड़ाला दिन है, कितना भगवान ने अच्छा दिन बनाया है, हम देखो घूमने आए हैं, सैर करने आए हैं, हवा देखो कितनी अच्छी है, भगवान ने की इतनी मेहरबानी है, बेस्ट डे इज टुडे। तो उसी को शर्म आ गया जिसको बूट नहीं था, बोला मां हमको तो खाली बूट नहीं है, इसको तो दोनों टांगे नहीं है, ये शुक्राना मानता है भगवान का, बोला टांगे नहीं है तो माए तो है, आंखें तो है, मैं दीदार कर सकता हूँ, मैं दर्शन करता हूँ भगवान का, जहाँ था ऐसी अच्छी सृष्टि बनाई है, मैं सैर करने निकला हूँ, माए तो दोनों है, लिखता पढ़ता हूँ बहुत अच्छी तरह, मैं कितना भाग्य वाला हूँ, उसको शर्म आ गया। तो ऐसी तरह से तुमको जब भी कुछ नहीं होगा ना तो तुम दूसरे को देखना, दूसरे को दूसरे से भी कम है तो तुम्हारा शुक्राना निकलेगा, जो कुछ है उसका शुक्राना मानो, जो कुछ गया वो था ही दूसरे का, हमारा था ही नहीं, भगवान की मर्जी, किसको भी दे रहे क्या करता है, कैसा ड्रामा करता है, सब भगवान के हाथ में, शावकार से गरीब, गरीब से शावकार, एक पल में कर देता है, कभी कुछ कभी कुछ, ड्रामा तो चेंज होता रहेगा, माया में है ही चेंज, हालतें चेंज होगी, दुख सुख आएगा, शरीर चेंज होगा, आज जवान है कल बुढ़ा हो जाएगा, कल मर भी जाएगा, इतनी चेंज इस शरीर में ही है, तो बाहर की हालत में भी चेंज आएगी, कभी बोट आती है, कभी तूफान आता है, कभी मरता है कोई, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी आग लगती है, कभी कुछ होता है, ये सब जो है नाटक तो दुनिया में होएगा। तुमने अपनी जीवन में कितना नाटक देखा है तुम ही बताओ, छोटेपन से आज तक कितना नाटक हुआ है, तो उसी नाटक में तुमने रोया भी होगा, हंसा भी होगा, तो लेकिन ज्ञानी खाली दृष्टा होकर देखता है, नहीं रोता है नहीं हंसता है, नाटक को नाटक करके देखो, सच को सच करके देखो, मिथ्या को मिथ्या, जगत मिथ्या है, जगत नाटक है, जगत एक कहानी है, समझो हम तुमको बोलता है तुम अपनी लाइफ बताओ,
चौथे पान से तुम्हारी लाइफ क्या है तो तुम एक घंटा लगाएगा अपनी लाइफ सुनाएगा, एक घंटे में 50-60-70 साल की लाइफ तुम बताएगा। तो ये कहानी नहीं है तो क्या, जैसे पिक्चर की नहीं कहानी सुनाते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बेचारी को पलाना मर गया, पहले ऐसा जन्म हुआ फिर मर गया, ये पिक्चर खत्म। तुम्हारी भी तो पिक्चर है भाई, तुम छोटेपन में क्या था, फिर कैसे शादी हुई, कैसे बच्चा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, कैसे क्या हुआ, अभी कितनी उम्र का है, ये सब कहानी नहीं है तो क्या। तो कहानी को तुम सच समझ के बैठा, नाटक को तुम सच समझ के बैठा, नाटक में अटक गया। ये सारी लाइफ तुम्हारी नाटक है, नहीं अटको, खाली देखते रहो जो भी तुम्हारी लाइफ में आएगा ना, दुख आएगा सुख आएगा, तुमको सिखा के जाएगा और तुमको पक्का करके जाएगा और तुमको ऊंचा करके जाएगा। दुख सुख आता है सुखाने के लिए, परीक्षा आती है पास होने के लिए, नहीं कि फेल होने के लिए। तुम स्कूल में जाते थे परीक्षा होती थी तो पास होने के लिए ना, तुम पढ़ाई करके और पास होने के लिए परीक्षा देते थे। ऐसी तरह से जब भी दुख सुख आता है तुम समझो हमको भगवान और ऊंचा क्लास में बिठाना चाहिए, इसके लिए परीक्षा भेजी है, पास हो जाओ, फेल क्यों होता है, पढ़ाई पूरी करो तो पास हो जाओ, ये पढ़ाई पूरी नहीं करेगा पास कैसे होगा, टाइम पर फेल हो जाएगा। कोई दो शब्द खाली बोलेगा ना तुमको जल जाएगा, ऐसा शब्द बोला, मेरी ये छानी ने ऐसा बोला, मेरे फलाने ने ऐसा बोला, मैं घर में गई तो ऐसा बोला, फलाने के पास गई तो ऐसा बोला, अरे दो शब्द तुम्हारा चैन गंवा सकता है, दो शब्द जो हवा में उड़ गया वो तुम्हारी शांति खिटा सकता है। तुम एक बड़ा इतना मनुष्य भगवान होके दो शब्द में नाचने लगता है, थोड़ी जो नाचती है शब्द के ऊपर सारी दुनिया नाचती है, शब्द में इतना असर है जो ब्रह्म का असर भी उसी टाइम काम नहीं करता, ब्रह्म तुम्हारे को भूल जाता है उसी टाइम, आत्मा गुरु भी याद करेगा ना भाई तुम आत्मा है, अरे चोर हो अरे बुला हो क्या क्या बोलता है गुरु को, क्या बोला आत्मा आत्मा तुम अपने पास रखो, हमको इतने ऐसा क्यों बोले, फलाने ने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसा करूंगा, उसने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, तो मैं और तुम में जाके बेचारा पछता है, फिर अज्ञान में आ जाता है, सपने में आ जाता है, शब्द के असर पर बहुत नाचना शुरू करता है, बकना शुरू करता है, विफलना शुरू करता है, उसी टाइम ब्रह्म भूल जाता है उसको, आत्मा भूल जाता है, फिर आत्मा तो किसको भी याद नहीं आती है, ऐसी आश्चर्यवत आत्मा है, गीता में भगवान ने लिखा है आत्मा बहुत आश्चर्यवत है, अभी कोई बोलेगा सुनेगा सोचेगा फिर भूल जाएगा, टाइम पर फिर भूल जाएगा, जब टाइम आएगा कोई परीक्षा आएगी फिर भूल जाएगा, बोला मैं आत्मा बात्मा तो मैं जानती नहीं हूँ, बल फलाने ने मेरे को ऐसा क्यों कहा, फलाना मेरे को दुख क्यों आया, फिर जाके उसी का वो सारा शरीर में फंस जाएगा, उसको देह अध्यास में फंस जाता है और अपने को देह समझ के और देह अध्यास ही बन के असु शरीर हो जाता है, मन हो जाता है, मन का रूप हो जाता है, रोना पीटना चिल्लाना जलना सड़ना बिल्कुल मन का रूप हो जाता है, उसी कहीं मन का साखी होके आत्मा में नहीं रहता है, भाई ये मन को लगा ये शरीर को लगा मेरे को कहाँ लगा, अरे लगा भी कहाँ, शरीर को भी किधर लगा, दो शब्द शरीर को लगा साड़ी को लगा सूट को लगा ड्रेस को लगा किधर लगा, और मन को भी कहाँ लगा, मन जिंदा है तो मुझे को लगता है, मन को अहंकार है मैं हूं तो लगता है, जब मैं नहीं हूं मन ही खलास हो गया तो लगेगा कैसे, अपने से ही पूछो किसको लगा, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंच दिया है इसके लिए तुम दुखी हो, ये अहंकार को लगता है मैं हूं, मेरे को उसने ऐसा बोला, मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं मैं ऐसा मैं करके तुम क्रोध करता है जलता है सरता है कर्म बनाता है उल्टा सीधा बोल देता है उल्टा सीधा सोचता है किसके लिए उल्टा सीधा सोच के बैठता है, ये सब तुम्हारा कर्म बन जाएगा और जो कर्म बनाता है वो दूसरे जन्म में उसको आना पड़ेगा। और ज्ञानी धीरज से सब सुनता है, कौन सी भी बात हो जाए हाँ इसने ऐसा कहा ठीक है उसका सुबह ऐसा है परवाह नहीं है, किसको बोला हमको बोला गया, हम तो आत्मा है आत्मा को लगा गया, वो फिर भी प्रेम की नजर से देखेगा सेकंड में बुला सकता है, जैसे बाजी और दुक्कड़ वाला आपस में झगड़ा करता है तो यार मुझे चलता है ना, तो दुक्कड़ वाला उसी के साथ ताल मिलाता ही नहीं, समझो दुक्कड़ आगे तो बाजा पीछे, तो बाजे वाला दुक्कड़ को ऐसा सूखता है आंख में है खबरदार कैसे चलता है कैसे चलाता है हमारे से ताल मिलाओ, और सेकंड में बाद ताल मिल जाता है तो आंखों में आंख मिला के ऐसा भजन गाता है दोनों जैसे मियां बीबी जैसे थे लैला मजनू थे, ऐसा आपस में देखता है ताल में ताल मिला के ऐसा गाता है, तो जैसे दुक्कड़ और बाजे वाला झगड़ा करता है सेकंड के लिए, जैसे तुम भी किसी से झगड़ा अगर करो ना सेकंड के लिए करना फिर दूसरे सेकंड में बन जाना, फिर बोलना तुम कौन मैं कौन, फिर ताल मिलाओ अंदर की तार मिला दियो आत्मा की आत्मा से तार जुड़ जाए झगड़ा ही खत्म, नहीं हम नहीं तुम तो दफ्तर ही घूम ना, हम और तुम मैं तो बड़ा दफ्तर है अंदर, इसने ऐसा किया मैंने ऐसा किया इसने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, लिफा लगी रहती है बरसों से तुम्हारी,
तो ये सब दफ्तर अंदर पड़ा है, दफ्तर गुम कब होएगा? जब हम और तुम गुम हो जाए, हम भी भगवान तुम भी भगवान, किसने किया किसको किया क्या किया भुला हो, चलो आज जी तुम आंख बंद करेंगे मरेंगे तो कौन सा शब्द तुम्हारे साथ चलेगा, कौन सी कस्बे तुम छोड़ के जाएंगे दुनिया में, कौन तुमको याद करेगा? बोलेगा ये झगड़ा करते थे, ये ऐसा थे, ये ऐसे थे, रोते थे, जलते थे, सड़ते थे, अज्ञानी। अज्ञानी का तो नाम निशान भी नहीं है दुनिया में। आज तुम्हारे घर में फोटा रखा है तो किसका रखा है, किसी शाहूकार का रखा है? भाई ये करोड़पति साहब मेरा बाप को, तो उसका फोटा रखा है घर घर में, कोई नहीं पूछे ना। पर आज गुरु नानक का, कृष्ण का, मीरा का, राम का फोटा रखा है ना, सभी ने, किसका नाम चलेगा? अवतार का नाम चलता है, जिसने मन को मारा, मन को खलास किया, उसी का नाम निकला। सचमुच वही जिंदा है आज तक। कृष्ण को 5000 बढ़िया हो गया तो भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। अभी तुम उसकी गीता पढ़ता है तो कितना समझता है कृष्ण सामने बैठा। अभी तुम दादे और बापे को कितना भी याद करो, याद ही नहीं आएगा, खलास। 100 साल के बाद उसका नाम निशान भी नहीं होगा, चाहे उसने लाख कमाया, करोड़ कमाया, फर्ज किया, ड्यूटी किया, बच्चे को संभाला, बच्चे को शादी कराई, बहुत अच्छा किया, पर 0 मार्क, नाम निशान नहीं धरती पर। और जिसने कमाई किया, जिसने अपनी आत्मा को ऐसा पहचाना, परमात्मा को पहचाना, और सबके भलाई के लिए जो किया, सबके हित के लिए, भलाई के लिए, दूसरे के लिए निष्काम सेवा किया, जिसने सारी दुनिया की जिसने सेवा किया, सबको आनंद दिया, शांति दिया, सुख दिया, प्यार दिया, उसी का नाम है। वही सबके दिल पर राज कर सकता है। तुम किसके दिल पर राज ही नहीं कर सकता, क्योंकि किसके साथ राग है, किसके साथ द्वेष है। नफरत, राग, द्वेष, मैं, मेरा, मेरे को सुख मिले, मेरी कीर्ति होवे, मेरी प्रशंसा होवे, मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ किया है दुनिया में, मेरा नाम निकले, जो इसी नाम और रूप में फंसा पड़ा है उसको कोई याद ही नहीं करेगा, उसका नाम निकलेगा भी नहीं। जो अपना नाम गंवाता है तो मेरा नाम नहीं निकले, मेरे को चाहिए कुछ नहीं, भगवान ही भगवान है। जो भगवान का नाम निकालता है, अपना नाम गुम करता है, उसका नाम आपा ही निकलता है। ये अपने को गंवाओ, अपने अंदर जो ये मन है, ये जो मन जिन बैठा है ना, ये जिन है खुदाई, जिन आके कभी कभी लगता है किसी को, तो जैसे जिन खेलाता है ना आदमी को, तो तुम भी खेलना शुरू करता है जब मन आता है। बस मन आता है अशांत, घर अच्छा नहीं लगेगा, धरती जगह नहीं देगी, बोलेगा बाहर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, क्या करूं, घबराहट, इतनी तो बुरी हालत होती है मन वाले की। जो उसके तुम देखेगा ना, घर में सोना नहीं, खाना नहीं, खाना पसंद नहीं, सोना पसंद नहीं, बोलेगा आप घात करो, ऐसा मन आता है उसको दुखी करता है, आप घात करने तक मन पहुंचाता है, ऐसा मन है। ऐसे मन को गुरु आके वश करता है, मन मारने की औषधि सतगुरु देता बताए, सतगुरु प्रेम से, कभी गालियों से, कभी कैसे, कभी नीचे, कभी ऊपर करके ऐसा, और उसके मन को वश करके दे। जैसे आज देखा भाई, शेर भी एक मनुष्य ने शेर को वश किया, बांदर को वश किया, रिच को वश किया, फिर उस जानवर को वश किया, मन गर्मच को वश किया, अपने मन को वश कर नहीं सकते। सभी ऊपर देवताओं को, दैतों को, और नीचे जो पाताल में जो है सांप, सब एनिमल्स, सबको वश कर सकता है। 84 लाख जोनियों का राजा है मनुष्य, सबको वश कर सकता है। इतने बड़े हाथी को, इतने बड़े हाथी को वश करके और लोहे के जंजीर में बांध के मनुष्य ऐसा ऐसा करके चला था, पर अपने मन को वश नहीं कर सकता, यही बात है। वश करने मन को या हाथी को और शेर को वश किया तो कौन सी बड़ी बात किया? मन तो हाथी और शेर से भी ज्यादा है। उसको नाम की रस्सी से बांधो, परमात्मा की रस्सी से, भगवान के प्रेम, गुरु के प्रेम के रस्सी में मन बंध जाता है। मन को चाहिए प्रेम, मन को चाहिए आत्मा का दर्शन, मन का खाना है ज्ञान। मन को तुम खाना खिलाएंगे ना, ज्ञान सुनाएंगे, तो मन शांत हो जाएगा। कहां से भी कितना भी दुखी सुखी होके आता है, सत्संग खाली सुनता है, बोलता है बस मेरे को ठंडी हवा लगे, एयर कंडीशन आ गई अंदर में। बाहर से तुम भले एयर कंडीशन में सो जाओ, पर अंदर मन तपता रहेगा, जलता रहेगा, कोई बात हो गर्मी है। पर ज्ञानी भले गर्मी में बैठा रहा है, पर दिल में एयर कंडीशन है, शांति है, ठंडाई है, शीतलता है। शीतल होके चलो, शीतल होके सुनो कोई बात, शीतल होके जवाब दियो, शांति से उठो, शांति से बैठो, शांति से सो, हड़बड़ हड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं, अधीरज नहीं हो जाओ। कोई भी दुख सुख आता है धीरज करो, शांति करो, भगवान सब ठीक करेगा, टाइम पर सब ठीक होगा। हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी करना, भगवान जो करता है आप ही करता है, सब ठीक होगा, हर वक्त ठीक ठीक करते चलो, सब कुछ ठीक करेगा। किसकी बनी रही है, किसकी बनी रही है, कब तक वो जीता रहेगा, कब तक हम जीते रहेंगे, आता तो चोर नहीं है। पर गुरु समझो छोड़ के भी जाएगा शरीर, तो भी हमको राजा ही लेके जाएगा।
वो राजाई छीन के जाए, छीन के वो जाता है तो ये बोलती है हम तो राजा से ही गिर गई, मैं तो रानी थी, अभी हमारा पति नहीं है, खाऊं कैसे, पहनूं कैसे, घूमूं कैसे, पीऊं कैसे, हंसूं कैसे, पलंग पर कैसे सोऊं, ऐसा कैसे करूं। आदमी दुनिया का बोलेगा देखो विधवाओं के ऐश कर दिया, विधवाओं के ऐश कर दिया। और अभी जब गुरु शरीर छोड़ के भी जाता है तो उनको राजा ही देख के जाता है, तो हमारे कहते भी तुम राजाओं का राजा है, ऐसा नहीं हम शरीर छोड़ के जाएगा तो तुम गिर जाओगे, नहीं। गुरु की वाणी, गुरु का ज्ञान हमारे साथ है, तो गुरु चाहे शरीर छोड़ के जाएगा भी ना तो हम मोह में रोएंगे नहीं, भाई आज वो नहीं है, वो है ही है, हमारे साथ है, हमारे दिल में बैठा है, उसका ज्ञान, उसकी वाणी, उसकी शक्ति जो दी हुई है वो हमारे साथ होगी। और मरा तुम वो शक्ति जो देता है वो जब जाता है वो शक्ति छीन के जाता है, जब मरा तुम बोलती मेरा मरद दस है कोई परवाह नहीं है, जब वो जाता है बोलता है तो मैं अकेली हो गई, तो रोना पीटना शुरू करेगी। गुरु के साथ अकेला नहीं होता है, और भी राजा और भी बड़ी देके जाता है, भाई तुम मेरे सामने तो क्या, मेरे पीछे भी तुम भगवान बन के रहना, कभी भी कम नहीं होना किसी से, कभी भी अपने को भय में नहीं रखना, तो निर्भय हो जो भगवान हो, निर्भय होके रहना दुनिया में, राजाओं का राजा, रानियों की रानी होके रहना, ऐसा नहीं हम जाए तो तुम कहानी बन के बैठना, ये विधवाएं सब कहानी बन जाती है मर्द के पीछे, अभी अभी तो मेरा कुछ नहीं है, अभी तो मैं क्या करूं, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया। लेकिन गुरु नहीं बोलता सब कुछ चला गया तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारे साथ है, मैं तुमको सब ज्ञान दे के जाता हूँ, आप समान बन के जाता बना के जाता हूँ, तुम मेरे जैसा है अभी, और मेरा ज्ञान तुम जाके देगा, जैसा मैं हूँ तैसा तुम। गुरु अपने साथ बिठा के आप समान बनाता है, मर्द अपने साथ बिठा के मोह में फंसा के बेचारे को मार के जाते, वो मरेगा तो तुम पहले से ही मर जाएगा, ये मोह में फंसाने का है। पर गुरु मोह में नहीं फंसाता है, एक दूसरे के बंधन में नहीं रखता है, तुम एक दूसरे के बंधन में आ जाते हैं, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के, बहन भाई के, बहन बहन के बंधन में आ जाते हैं, याद में, डर में, बंधन में, मैं क्या करूँ, ये ऐसा कहेगा, मैं क्या करूँ, फिर ऐसा कहेगा, ये नाराज होगा, मैं कैसे आऊँ सत्संग में, इसको ये पसंद नहीं है, तुम सच को भी छोड़ के जाएगा, संबंधियों के खातिर सच को छोड़ के जाएगा, याद में उसके डर में, समझते मैं उसका खाता हूँ, और ये भगवान का खाता है जो भगवान के रास्ते में किसी से डरता नहीं, भाई हम अपने सच को छोड़ूं और झूठ को पकड़ो, मिलेगा क्या, झूठ भी छूट जाएगा, धोबी का कुत्ता इधर से भी गया उधर से भी गया, दोनों तरफ से गया, लेकिन जो सच के रास्ते पर आगे बढ़ता है, गुरु को आप देखे और संबंधियों के उसके लिहाज में नहीं रहता, किसी के भी डर में नहीं रहता, कोई नाराज हो गए या कुछ भी हो गए, मेरा वास्ता किसी से नहीं है, मेरा वास्ता भगवान से, जब वो भगवान का हाथ पकड़ेगा सारी दुनिया भले नाराज हो गए पहले, पीछे सारी दुनिया उसको झुकेगी, दुनिया रुसे भल एक तू न रुस जाए, महबूब में जा मोरू न मत जाए, भाई सारी दुनिया भले रुस जाए पर गुरु नहीं रुसे, भगवान नहीं रुसे, भगवान को मेरी जान, भगवान को प्यार करूं, भगवान के अदब में चलूं, भगवान के कहने पर चलूं, आज्ञा में चलूं, तो सारी दुनिया तुमको आगे झुकेगी एक बार, क्योंकि गुरु तो हमारे को मन वश कर देता है ना, मरद थोड़ी मन वश करके देता है, मरद तो विकारों में विषयों में गिराने वाला है, तुम तो मेरी है मैं तेरा हूँ, ऐसा नहीं करो ऐसा करो, ये नहीं पहनो ये करो ऐसा करो, मेरी सेवा करो, बेचारे तक वो स्वागत में तुम्हारे से मांगेगा ही, मेरे को प्यार करो, मेरी सेवा करो, अंत तक बोलेगा मेरी सेवा करो, मेरे कहने पर कर, तुम्हारी खुशी नहीं देखेगा जितनी अपनी खुशी, पर गुरु हमारी खुशी देखता है अपनी नहीं, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वॉन्ट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू, लाइफ इज वर्थ लिविंग व्हेन आई एम वर्थ गिविंग, व्हाई कांट आई सेल्फ व्हाई कांट आई गिव सम टू यू, भगवान बोलता है अगर लाइफ वर्थ लिविंग है तभी, जब भी मैं मर्थ गिविंग, जब मैं तुमको खुशी दूं तभी है लाइफ वर्थ लिविंग, व्हाई कांट आई गिव सम टू यू, मैं तुमको दूं क्यों नहीं, लूं क्यों, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वॉन्ट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू, जब तुम खुश रहेगा तभी मैं खुश रहूंगा, गुरु की खुशी हमारे खुशी में, हमको खुश करेगा, हमारा आंसू पोछेगा, हमारी दिल लेगा, हमारा ये जो है वो विकार लेगा, हमको खुश रखेगा, सारी दुनिया से हमको ऊपर चढ़ाएगा, ऐसी खुशी, ऐसी अनंत खुशी अंदर की देता है, और दुनिया में तुम किसी से भी दिल रखेगा वो तुम्हारी खुशी लेके जाएगा, प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया, शुद्ध बुद्ध कोई चैन गवाया, चैन चला गया, और गुरु से प्रीत रखेगा तो गुरु ज्ञान देगा तो और भी खुशी है, माया में प्रीत रखेगा तो तुम्हारी खुशी चली जाएगी।